समस्त शुभ दिन। कंप्यूटर शिक्षा को सहयोग करिसंति। आज क्लास रे तुमे समस्ते गोटे प्रैक्टिकल परीक्षा देव। तुमे राइटर टू मॉड्यूल रे जहाँ शिखिथिल सही विषय रे एही परीक्षाटी हेबो। तुमको जणे परे जणे सही ऑप्शन रु किछि ऑप्शन को अभ्यास करिया पई कुहा जिवो एवं उत्तर को तुम्हारा शिक्षक को देखाइबो। परीक्षा आरंभ करिबा पूर्वरु एठारे किछि गुरुत्वपूर्ण सूचना रहिछि जहाँ तुमको ध्यान रे रखिया पई हेबो। तुमको परीक्षा पई केवल 45 मिनिट समय दिया जिवो। केही भी छात्र निज निज भितरे सहाय्य करिबो नाही। प्रत्येक ऑप्शन परे तुमको सही ऑप्शन पई गोटे वीडियो देखा जिवो एवं तुमे माने निजर उत्तर ताहा सह मिलाइबो। एहा तुमको तुम्हारा सही काम पई ठीक होइछि कि नाही जानिबारे सहाय्य करिबो। जदि तुम मध्यरु कहार उत्तर भूल होइछि बोली देखिपारुछ तेबे तुमे सठिक उत्तरटी को देख एवं सही ऑप्शन टी विषय रे सिखो। एबे आसो आजिरो परीक्षा आरंभ करिबा। आजि तुमे जहा करिबो ताहा हेउछि प्रथमे तुमे समस्ते एही लाइन किंबा पाराग्राफ को टाइप कर एवं तापरे तुमको एही लाइन किंबा पाराग्राफ को कॉपी पेस्ट करिबा पई हेबो। तापरे तुमे राइटर टू मॉड्यूल रे सिखिथिबा ऑप्शन गुड़ी करो अभ्यास करिबो जेपरी बुलेट्स एंड नंबरिंग चेंज केस ब्लिंकिंग ओवर लाइन एवं ओवर लाइन कलर बॉर्डर शैडो टेबल मर्ज सेल स्प्लिट सेल पीडीएफ एवं तापरे तुम्हारा फाइल को मध्य सेव करिबो। तुम्हें समस्ते राइटर फाइल को ओपन करो एवं तुमको देखा जाइथिबा लाइन को टाइप करो एवं तापरे ताहाकु 10 थर कॉपी पेस्ट करो। तुम्हें कॉपी पेस्ट कौन कही पारिबो कि कॉपी पेस्ट द्वारा तुम्हें कौनसी लाइन किंबा पाराग्राफ को तुम्हार राइटर पेज रे अनेक थर पाई पारिबो। कॉपी पेस्ट केमिति करा जाए तुम्हें कही पारिबो कि कॉपी पेस्ट करिबा पई प्रथमे तुमको लाइन किंबा पाराग्राफ को सिलेक्ट करिबा पई होई थाए जहाँ को तुम्हें टाइप करियो छो। कॉपी पेस्ट करिबा पई दुईटी माध्यम अछि। प्रथम माध्यमटी हेउछि स्टेप वाइज एवं द्वितीयटी हेउछि शॉर्टकट कमांड द्वारा। तुम्हें समस्ते टाइप करिथिबा लाइन किंबा पाराग्राफ को कॉपी पेस्ट कर एवं एहाकु तुमर शिक्षक को देखाओ। एबे तुम्हें सठिक भावरे कॉपी पेस्ट करिछ कि नाही जानिया पई एही वीडियो को देखो। वर्तमान एही लाइन टी को कॉपी पेस्ट करिबा पई प्रथमे तुमको एही लाइन टी को सिलेक्ट करिबा पई हेबो। तेणु वीडियो रे देखाइथिया भली प्रथमे एही लाइन टी को सिलेक्ट कर एवं कॉपी करिया पई तुम्हें दुईटी माध्यम रे कॉपी करि परिबो एडिट मेनू रु किंबा शॉर्टकट कमांड व्यवहार करी। वर्तमान आमे कॉपी करिबा पई एडिट मेनू को व्यवहार करिबा। तेणु तुम्हारा कर्सर किंबा पॉइंटर को एडिट मेनू को नियो एवं गोटे थर क्लिक कर तापरे कॉपी ऑप्शन को कर्सर को नियो एवं गोटे थर क्लिक कर जो भली वीडियो रे देखा जाइछि। एहा द्वारा तुम्हें देखिबो सेठारे किछि भी हेउ नाही। एहा परे तुमको पेस्ट करिया पई होइथाय। पेस्ट करिया पई गोटे नुआ लाइन रे तुम्हें एंटर बटन को व्यवहार करि परिबो किंबा कर्सर को आनी नुआ लाइन रे क्लिक करि परिबो एवं ता परे पेस्ट करिबा पई
तुम्हें शॉर्टकट कमांड कंट्रोल प्लस वी बटन को व्यवहार करिपरिबो। एबे वीडियो रे देखाई दिया बळी कंट्रोल प्लस वी बटन को दबाओ। एहा द्वारा तुम्हें देखि परिबो कि तुम्हें सिलेक्ट करितिबा लाइन टी पेस्ट होई एछि। एबे आउ थरे एंटर बटन को दबाओ एवं ता परे आउ थरे कंट्रोल प्लस वी बटन को प्रेस करो। या द्वारा सही लाइन टी आउ थरे पेस्ट होई जिवो। सही बळी आउ थरे एंटर बटन को प्रेस करो एवं आउ थरे कंट्रोल प्लस वी बटन को दबाओ। या द्वारा आउ गोटे नूतन लाइन आसी जिवो एवं ता परे आउ थरे एंटर बटन को दबाओ एवं आउ थरे कंट्रोल प्लस वी बटन को दबाओ। या द्वारा आउ गोटे नूतन लाइन आसी जिवो एवं वर्तमान आमे पेस्ट करिया पई एडिट मेनू को व्यवहार करिबा। तेणु तुम्हारा कर्सर को एडिट मेनू को नहीं गोटे थर क्लिक कर तापरे पेस्ट ऑप्शन को गोटे थर क्लिक कर। या द्वारा तुम्हें देखि परिबो सही लाइन टी पुनर्बार आसी जाइछि एवं सही भली आउ थरे तुम्हें एंटर बटन को दबाओ एवं आउ थरे एडिट मेनू को जाओ एवं गोटे थर क्लिक कर तापरे पेस्ट ऑप्शन को जाई आउ थरे क्लिक कर। तुम्हें देखि परिबो सही लाइन टी आउ थरे आसी जाइछि। आउ थरे एडिट मेनू को जाओ जे भली वीडियो रे देखा जाइछि एवं तापरे आउ थरे पेस्ट ऑप्शन को क्लिक कर। सही भली आउ थरे एंटर बटन को दबाओ एवं आउ थरे एडिट मेनू को जाओ एवं तापरे पेस्ट ऑप्शन को क्लिक कर। या द्वारा सही लाइन टी आउ थरे आसी जिवो। सही भली आउ थरे एंटर बटन को दबाओ एवं आउ थरे एडिट मेनू को जाओ एवं सेठारे थिवा पेस्ट ऑप्शन को आउ थरे क्लिक कर। एही परि भाबरे तुमे कॉपी एवं पेस्ट करि परिबो। आमे बुलेट एंड नंबरिंग काही की व्यवहार करिथाउ। जदि तुमे गोटिए लिस्ट तयारी करिया पई चाहिबो एवं लाइन रो आगरे विभिन्न प्रकार सिंबल को लगाइबा पई चाहिबो तेबे तुमे बुलेट रो व्यवहार करिबो। बुलेट ऑप्शन द्वारा तुमे प्रत्येक लाइन रो आगरे बुलेट गुड़ी को लगाई पारिबो। सही परी जदि तुमे लाइन रो आगरे नंबर लगाइबा को चाहिबो तेबे तुमे नंबरिंग ऑप्शन रो व्यवहार करि पारिबो। ता परे तुमे समस्ते कॉपी करिथिबा प्रथम लाइन रे केमिति बुलेट को लगाइबो ताहा देखाओ एवं द्वितीय लाइन रे नंबरिंग लगाओ। एबे आसो एही वीडियो को देखि तुमे बुलेट एंड नंबरिंग ठीक भाबरे लगाइछो कि नाही जानिबा। वर्तमान बुलेट एंड नंबरिंग ऑप्शन को व्यवहार करिया पई अर्थात तुम्हारो लाइन रे बुलेट एवं नंबरिंग को इंसर्ट करिया पई प्रथमे तुम्हारो कर्सर किंवा पॉइंटर को सही लाइन को प्रथम को आनो जेउठारे तुम्हें बुलेट को इंसर्ट करिया पई चाहुछो। जेहेतु वर्तमान आमे प्रथम लाइन रे बुलेट को इंसर्ट करिया पई चाहुछो तेणु प्रथम लाइन रो आरंभ को तुम कर्सर आनी गोटे थर क्लिक कर जो भली वीडियो रे करा जाइछि एवं ता परे तुम्हारो कर्सर किंबा पॉइंटर को फॉर्मेट मेनू को नियो एवं गोटे थर क्लिक कर जो भली वीडियो रे देखा जाइछि। ता परे बुलेट एंड नंबरिंग ऑप्शन को गोटे थर क्लिक कर। एहा द्वारा तुम आगरे गोटे बॉक्स ओपन हेबो जेउथिरे विभिन्न प्रकार बुलेट रहितबार तुम्हें देखि पारिबो। एठारे तुम्हें तुम इच्छा अनुसार गोटे बुलेट रो स्टाइल को सिलेक्ट करि परिबो जो भली वीडियो रे वर्तमान सिलेक्ट करा जाइछि एवं ता परे ओके बटन को प्रेस कर। एहा द्वारा सही बुलेट टी प्रथम लाइन रो आरंभ रे आसी जिवो। एबे एहा को एठारे क्रॉस मार्क थिबा ऑप्शन को क्लिक करिया को हटाई परिबो एवं द्वितीय लाइन रे नंबरिंग को इंसर्ट करिया पई तुम्हारा कर्सर को द्वितीय लाइन रो आरंभ को आनो एवं गोटे थर क्लिक कर। तापरे तुम्हारा कर्सर किंवा पॉइंटर को पुनर्बार फॉर्मेट मेनू को नहीं गोटे थर क्लिक कर। तापरे
बुलेट एंड नंबरिंग ऑप्शन को आउ थे क्लिक कर। या द्वारा पूर्वपरी पेज आसीजिबो एवं एठारे तुम्हें नंबरिंग टाइप को गोटे थर क्लिक कर। या द्वारा एठारे विभिन्न प्रकार स्टाइल रो नंबर थिबार तुम्हें देखि पारिबो। तुम्हें गोटे स्टाइल को सिलेक्ट कर, तापर ओके बटन को प्रेस कर। तुम्हें देखि पारिबो तुम्हारो पेज रे नंबरिंग इनसर्ट हो जाइछि। तुम्हें कही पारिबो चेंज केस कौन? चेंज केस साहाज्य रे तुम्हें लेखिथिबा लाइन किंबा पाराग्राफ रो शब्द रो केस चेंज करी पारिबो, अर्थात बदलाई पारिबो, एवं ताहाकु कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, टॉगल केस इत्यादि करी पारिबो। एबे तुम्हें समस्ते जाओ एवं तृतीय लाइन को अपर केस को चेंज करी देखाओ। तापरे चतुर्थ लाइन को टॉगल केस को चेंज कर एवं पंचम लाइन को सेंटेंस केस को चेंज कर। एबे आसो एही वीडियो को देखिबा एवं जानिबा कि चेंज केस ऑप्शन रो अभ्यास आमे ठीक भाबरे करिछु कि नाही। वर्तमान चेंज केस रो व्यवहार अभ्यास करिया पई प्रथमे तुम्हें तृतीय लाइन टी को सिलेक्ट कर जो भली वीडियो रे देखा जाइछि। एहा परे तुम्हें तुम्हारो कर्सर किंबा पॉइंटर को फॉर्मेट मेनू को लेकिन जाओ एवं सेठारे गोटे थर क्लिक कर जो भली वीडियो रे देखा जाइछि। एहा परे सेठारे थिबा चेंज केस ऑप्शन पाखो को तुम्हारो कर्सर को नियो। सेठारे विभिन्न प्रकार ऑप्शन रहिछि। एबे प्रथमे तुम्हें अपर केस ऑप्शन को गोटे थर क्लिक कर जो भली वीडियो रे देखा जाइछि। एहा द्वारा तुम्हें देखि पारिबो तुम्हें सिलेक्ट करथिबा लाइन टी चेंज होई जाइछि एवं सब गुड़िक बड़ अक्षर रे होई जाइछि, कैपिटल लेटर अर्थात बड़ अक्षर रे होई जाइछि। सेही भली अन्य ऑप्शन गुड़िकर व्यवहार करिया पई एबे परवर्ती लाइन टी को सिलेक्ट कर। तापरे तुम्हारा कर्सर किंबा पॉइंटर को पुनर्बार फॉर्मेट ऑप्शन को नियो एवं गोटे थर क्लिक कर। तापरे चेंज केस ऑप्शन को जाई टॉगल केस ऑप्शन को गोटे थर क्लिक कर जो भली वीडियो रे देखा जाइछि। एहा द्वारा तुम्हें देखि पारिबो तुम्हें सिलेक्ट करथिबा लाइन डी टॉगल केस रे परिवर्तन होई जाइछि, अर्थात एहार प्रथम अक्षर टी सान अक्षर एवं अन्य अक्षर गुड़िक बड़ अक्षर होई जाइछि। सेही भली परवर्ती लाइन को सिलेक्ट कर, कर्सर किंबा पॉइंटर को फॉर्मेट मेनू को नियो एवं गोटे थर क्लिक कर। तापरे चेंज केस ऑप्शन को जाओ एवं एवं सेंटेंस केस ऑप्शन को गोटे थर क्लिक कर। या द्वारा तुम्हें देखि पारिबो तुम्हें सिलेक्ट करथिबा लाइन टी रे प्रथम अक्षर टी बड़ अक्षर एवं अन्य अक्षर गुड़िक छोट अक्षर रे होई जाइछि। तुम्हें समस्ते कही पारिबो ब्लिंकिंग ऑप्शन रो व्यवहार द्वारा कौन होई थाए? तुम्हारा टेक्स्ट को ब्लिंक करिबा पई ब्लिंकिंग ऑप्शन रो व्यवहार करा जाए। जेतेबेले तुम्हें एहा को व्यवहार करिबो तुम्हारा टेक्स्ट बारंबार आसीबो एवं जीवो। वर्तमान तुम्हें समस्ते षष्ठ लाइन को ब्लिंक कर एवं ताहा को तुम्हारा शिक्षक को देखाओ। एबे आसो एही वीडियो को देखिबा एवं ब्लिंकिंग ऑप्शन रो व्यवहार विषय रे सिखिबा। वर्तमान ब्लिंकिंग ऑप्शन रो अभ्यास करिया पई प्रथमे वीडियो रे देखाई थे वळी एही लाइन टी को सिलेक्ट कर जेउटी को तुम्हें ब्लिंकिंग करिया पई चाहू छ। तापरे तुम्हारा कर्सर किंबा पॉइंटर को फॉर्मेट मेनू को नियो एवं गोटे थर क्लिक कर। तापरे तुम्हारा कर्सर किंबा पॉइंटर को कैरेक्टर ऑप्शन को नियो एवं गोटे थर क्लिक कर। तापरे
तुम्हारा कर्सर को फॉन्ट इफेक्ट्स ऑप्शन को नहीं गोटे थर क्लिक कर जो भाई वीडियो रे देखा जापे ये रिलीफ ऑप्शन रे ब्लिंकिंग ऑप्शन को गोटे थर क्लिक कर यहाद्वारा तुम्हें देखिपर सेठे बॉक्स भितर गोटे टिक मार्क आसी जापर ओके बटन को प्रेस कर तुम्हें देखिपर तुम्हें सिलेक्ट कर लाइन रे ब्लिंकिंग ऑप्शन आसी जाए यह बारंबार आसुची एवं जाऊँ अर्थात ब्लिंक होउची ओवर लाइन एवं ओवर लिनिंग कलर द्वारा कौन होता है ओवर लाइन द्वारा तुम्हें पाराग्राफ किंबा लाइन रो उपरे लाइन दे पार अर्थात गार दे पार एवं ओवर लिनिंग कलर द्वारा तुम्हें तुम्हारा पाराग्राफ किंबा दिया जाइथिबा ओवर लाइन रो कलर को बदलाई पार एबे तुम्हें समस्ते सप्तम लाइन को ओवर लाइन करी देखाओ एवं तुम्हें ताहार कलर को किपर बदलाइबो ताहा देखाओ वर्तमान ओवर लाइन ऑप्शन एवं ओवर लाइनिंग कलर ऑप्शन रो व्यवहार अभ्यास करिया पाई प्रथमे तुम्हें एही लाइन टी को सिलेक्ट कर जो थे तुम्हें ओवर लाइन करिया पाई चाहुंछ तापरे तुम्हारा कर्सर किंबा पॉइंटर को फॉर्मेट मेनू को नियो एवं गोटे थर क्लिक कर यापर कैरेक्टर ऑप्शन को गोटे थर क्लिक कर तुम आगे गोटे बॉक्स ओपन हेबो एथिरे फॉन्ट इफेक्ट्स रे ओवर लिनिंग रो ऑप्शन रही सेठारे ड्रॉप डाउन आइकन रही तुम्हें ड्रॉप डाउन आइकन को याको गोटे थर क्लिक कर एवं तापर तुम्हें सेठा देखिपर विभिन्न प्रकार ऑप्शन रही तुम्हें तुम इच्छा अनुसार गोटे ऑप्शन को बाछी पारिबो एवं ताहा किपरि होउची तळे एहा देखि पारिबो एवं तापरे ओके बटन को प्रेस करो तुम्हें देखि पारिबो तुम्हें सिलेक्ट करथिबा लाइन रो उपरे ओवर लाइन आसी जाइछि एबे एही ओवर लाइन रो कलर को परिवर्तन करिया पई पुनर्बार से लाइन टी को सिलेक्ट करो तापरे तुम्हारा कर्सर को फॉर्मेट मेनू को नहीं गोटे थर क्लिक कर एहा परे कैरेक्टर ऑप्शन को गोटे थर क्लिक कर एठारे ओवर लाइन कलर ऑप्शन रही एबे ड्रॉप डाउन आइकन को गोटे थर क्लिक कर तुम्हें सेठारे विभिन्न प्रकार कलर देखिपर स्क्रॉल बार को ऊपर को किंबा तल को करी तुम्हें कलर बाछिपर एवं तुम इच्छा मुताबिक गोटे कलर को सिलेक्ट कर जो भाई वीडियो रे वर्तमान करा जाइछि एवं तापर ओके बटन को प्रेस कर तुम्हें देखिपर ओवर लाइन कर लाइन रो कलर परिवर्तन हो जाइछि तुम्हें समस्ते पाराग्राफ रो बॉर्डर विषय रे जानिछो कि नाही एवं सेगुड़िक कौन अटे जानिछो कि बॉर्डर रो व्यवहार द्वारा तुम्हें तुम्हारा पाराग्राफ रो चारि पाखरे बॉर्डर किंबा लाइन आनी परिबो एहा करिबा द्वारा तुम्हारा टेक्स्ट किंबा पाराग्राफ बॉर्डर लाइन भितरे आसी जिवो एवं तापरे तुम्हें बॉर्डर बाहरे किछि टाइप करि परिबो नाही जदि तुम्हें चाहिबो बॉर्डर साइज को एवं ताहार कलर को बदलाई परिबो एबे तुम्हें समस्त सप्तम लाइन रे किपरि बॉर्डर आनिबो ताहा देखाओ तापरे जाओ एवं एही लाइन रो लेखार स्टाइल को चेंज करो तापरे एही लाइन रो कलर चेंज करो एबे आसो एही ऑप्शन विषय रे सिखिबा पई एही वीडियो को देखिबा वर्तमान बॉर्डर ऑप्शन रो व्यवहार करिया पई तुम्हें प्रथमे कस्टमर लाइन टी को सिलेक्ट कर जो भाई वीडियो रे देखा जाइछि तापरे तुम्हारा कर्सर किंबा पॉइंटर को फॉर्मेट मेनू को लेकिन जाओ एवं गोटे थर क्लिक कर जो भाई वीडियो रे देखा जाइछि यापर तुम्हें पाराग्राफ ऑप्शन को गोटे थर क्लिक कर जहाद्वारा तुम आगे गोटे बॉक्स ओपन हेबो एवं एही ठारे
बॉर्डर ऑप्शन आसी तुम्हें देखि पारिबो एवं बॉर्डर ऑप्शन रे विभिन्न प्रकार ऑप्शन रही तुम्हें बॉर्डर चारिपाखर देवाई द्वितीय ऑप्शन को सिलेक्ट कर जो भाई वीडियो रे देखा जाइछि एवं तापरे ओके बटन को प्रेस कर। यह द्वारा तुम्हें देखि पारिबो अष्टम लाइन रो चारिपाखरे बॉर्डर आसी जाइछि। एबे एही बॉर्डर रे परिवर्तन करिया पई तुम्हें तुम्हार कर्सर किंबा पॉइंटर को फॉर्मेट मेनू को नियो एवं तापरे पाराग्राफ ऑप्शन को आउथरे क्लिक कर। पूर्व परि तुम आगरे बॉक्स टी आसी जीव एबे एही थारे तुम्हें बॉर्डर स्टाइल को परिवर्तन करी परिबो जो भाई वीडियो रे देखा जाइछि। स्क्रॉल बार को तलकु किंबा ऊपर को करी तुम्हें एही थारु तुम इच्छा मुताबिक गोटे स्टाइल को बाछी परिबो एवं तापरे ओके बटन को प्रेस कर। तुम्हें देखि परिबो जो भाई तुम्हें स्टाइल टी सिलेक्ट करथिलो सेही भाई बॉर्डर टी आसी जाइछि। एबे पुनर्बार तुम्हार कर्सर किंबा पॉइंटर को फॉर्मेट मेनू को नियो एवं गोटे थर क्लिक कर। तापरे पाराग्राफ ऑप्शन को जाओ एवं गोटे थर क्लिक कर। पूर्वपरि तुम आगरे बॉक्स टी आसी जीव एबे एथिरे बॉर्डर कलर को परिवर्तन करिया पाई तुम्हें कलर ऑप्शन को जाओ एवं ड्रॉप डाउन आइकन को गोटे थर क्लिक कर। एठारे विभिन्न प्रकार कलर आसीथिबार तुम्हें देखि पारिबो एवं स्क्रॉल बार को तलकु किंबा ऊपर को करी तुम इच्छा मुताबिक गोटे कलर को बाछी पारिबो जो भाई वीडियो रे देखा जाइछि एवं तापरे ओके बटन को प्रेस कर। तुम्हें देखि पारिबो तुम्हें जो कलर टी बाछीथिलो सही कलर टी बॉर्डर रे अप्लाई होई जाइछि एवं एहार कलर चेंज होई जाइछि। तुम्हें जानिछो कि पाराग्राफ रो शैडो ऑप्शन द्वारा कौन होई थाए? शैडो ऑप्शन द्वारा तुम्हें तुम्हार लाइन किंबा पाराग्राफ रे शैडो करि परिबो। तुम्हें जेउठारे चाहिबो सेइठारे शैडो करि परिबो। तुम्हें शैडो रो दूरता बढ़ाई परिबो एवं एहार कलर मध्य बदलाई परिबो। एबे तुम्हें समस्ते अष्टम लाइन रे शैडो करी देखाओ। तापरे शैडोर दूरता को बढ़ाई 0.40 सेंटीमीटर कर एवं तापरे शैडोर कलर को बदलाओ। एबे शैडो ऑप्शन रो अभ्यास करिया पई प्रथमे परवर्ती लाइन टी को सिलेक्ट कर जो भली वीडियो रे देखा जाइछि। सिलेक्ट करिबा परे तुम्हारा कर्सर किंबा पॉइंटर को पुनर्बार फॉर्मेट मेनू को नहीं कि जाओ जो भाई वीडियो रे देखा जाइछि एवं तापरे गोटे थर क्लिक कर एवं तापरे पाराग्राफ ऑप्शन को गोटे थर क्लिक कर। एबे एठारे बॉर्डर मध्य थिबा शैडो स्टाइल ऑप्शन रे विभिन्न प्रकार ऑप्शन रही तुम्हें देखि पारिबो जो भाई वीडियो रे देखा जाइछि। एबे एठारे तृतीय ऑप्शन को सिलेक्ट कर एवं तापरे ओके बटन को प्रेस कर। तुम्हें देखि पारिबो एठारे शैडो आसी जाइछि जो लाइन को तुम्हें सिलेक्ट करथिलो तहार पछरे आसी जाइछि। एबे एही शैडोर कलर को परिवर्तन करिबा पई तुम्हें तुम्हार कर्सर किंवा पॉइंटर को पुनर्बार फॉर्मेट मेनू को नियो एवं गोटे थर क्लिक कर। तापरे पाराग्राफ ऑप्शन को गोटे थर क्लिक कर। एबे शैडोर कलर को चेंज करिया पई एवं एहार डिस्टेंस को चेंज करिया पई केते दूर रे तुम्हार शैडो टी आसिया पई तुम्हें चाहूछ ताकु सिलेक्ट करि परिबो अप एरो की किंवा डाउन एरो की को व्यवहार करी। वर्तमान एहा आमे अप एरो की को व्यवहार करी एहा को 0.41 को करिबा एवं तापरे ओके बटन को प्रेस करिबा। तुम्हें देखि पारिबो
तुमर सेडर दूरता तुम्हें जहाँ सिलेक्ट करापर पुनर्बार तुमर कर्सर कि पॉइंटर को फॉर्मेट मेनू को नियो एवं तापर पाराग्राफ ऑप्शन को गोटे थर क्लिक कर। एबे सेडर कलर को परिवर्तन करिया पाई तुम्हें कलर ऑप्शन को जाई ड्रॉप डाउन आइकन को गोटे थर क्लिक कर जो भाई वीडियो रे करा जाई छी एठारे विभिन्न प्रकार कलर रही छी तुम्हें तुम इच्छा अनुसार गोटे कलर को सिलेक्ट कर एवं तापर ओके बटन को प्रेस कर। तुम्हें देखिपार सेडर कलर मध्य चेंज हो जो कलर टी तुम सिलेक्ट कर। तुम्हें जान टेबल कौन एवं आम यह कहीं व्यवहार करो एवं कलम द्वारा गोटे टेबुल या तुम गणित खाता भाई अटे जो थे बहुत गुड़िए बक्स रही थाए टेबुल व्यवहार बहुत कम करें जमीती कि लिस्ट तैयारी करिबा ऑफिस काम पाई रिपोर्ट कार्ड तैयारी करिबा पाई कैलेंडर पाई इत्यादि। एबे तुम्हें समस्ते पांचटी रो एवं पांचटी कॉलम रो टेबल तैयारी करो एवं सेथिरे चारि जणकर रेकॉर्ड तैयारी करो। एबे आसो एही वीडियो देखिबा एवं टेबल तैयारी करिबा। एबे आमर राइटर पेज रे गोटे टेबल को इनसर्ट करिया पाई प्रथमे तुम्हें तुमर कर्सर को तुमर पाराग्राफ रो शेष को आण दुई तीन थर एंटर बटन को दबाओ। एहा परे टेबल को इनसर्ट करिया पाई तुमर कर्सर किंबा पॉइंटर को टेबल ऑप्शन को नहीं कि जाओ जो भली वीडियो रे देखा जाय छी एवं तापरे गोटे थर क्लिक कर। तापरे इनसर्ट ऑप्शन को तुमर कर्सर को नियो एवं तापरे टेबल ऑप्शन को गोटे थर क्लिक कर जो भली वीडियो रे देखा जाय छी। एहा द्वारा तुम आगरे गोटे बॉक्स ओपन हेबो एही बॉक्स रे विभिन्न प्रकार ऑप्शन रही छी। एबे तुम्हें केतोटे कॉलम एवं केतोटे रो को नहीं टेबल तैयारी करिया पई चाहौछ सही हिसाब रे एठारे तुम्हें कॉलम एवं रो रो नंबर बढ़ाई पारिबो अप एरो की एवं डाउन एरो की को व्यवहार करी। वर्तमान अप एरो की को प्रेस कर जो भली वीडियो रे देखा जाय छी एवं कॉलम पांचटी एवं रो पांचटी को कर एवं तापरे ओके बटन को प्रेस कर। तुम्हें देखि पारिबो तुमर पाराग्राफ रे गोटे टेबल इनसर्ट हो जाए छी। वर्तमान एथिरे छात्र मानकर रेकॉर्ड को इनसर्ट करिया पाई किंबा रेकॉर्ड तैयारी करिया पाई प्रथम बॉक्स रे कर्सर को रख एवं एठारे तुम्हें नाम लेख जो भाई वीडियो रे वर्तमान नेम लिखा जाय छी। तापर तुम्हें राइट एरो की को दबाओ या द्वारा द्वितीय बॉक्स को आसीजिबो तुमर कर्सर एवं सेठारे रोल नंबर लेख जो भाई वीडियो रे देखा जाय छी। सेही भाई आउ थरे राइट एरो की को दबाओ एवं एठारे सब्जेक्ट गुड़िकर नाम लेख अर्थात विषय गुड़िकर नाम लेख जो भाई वर्तमान एठारे मैथ लेखा जाय छी। तापरे आउ थरे राइट एरो की को एंटर कर एवं एठारे हिंदी लेख। सेही भाई आउ थरे राइट एरो की को दबाओ एवं एठारे इंग्लिश लेख। एबे पिलांकर नाम लेखिबा पई नेम बॉक्स को जाओ एवं नेम रे तळे तुमर कर्सर को रख। यहाँ पर एठारे वीडियो रे देखाई थे बोली कोटे नाम लेख तापरे डाउन एरो की को गोटे थर दबाओ एवं सेठारे आउ गोटे नाम लेख जो भली वीडियो रे देखा जाय छी एवं सेही भली आउ थरे डाउन एरो की को गोटे थर दबाओ एवं आउ गोटे नाम लेख। सेही भली आउ थरे डाउन एरो की को दबाओ एवं आउ गोटे नाम लेख
जेउं भली वीडियो रे देखा जाय छी। एबे रोल नंबर गुड़ी को एंटर करिया पई तुमे रोल नंबर कॉलम को जाओ एवं एठारे वीडियो रे देखाय थिया भली गोटे थरो क्लिक करो एवं वीडियो रे देखाय थिया भली एठारे रोल नंबर को एंटर करो तापर पुनर्बार डाउन एरो की को व्यवहार करो एवं रोल नंबर गुड़ी को लेखो जेउं भली वीडियो रे देखा दै छी एही भली समस्त पिलांकर रोल नंबर गुड़ी को लेखो तापर विषय गुड़ी को मार्क लेखिवा पई तुमे मैथ कॉलम को जाई एठारे कर्सर को रखो एवं मैथ रो मार्क एठारे लेखो जेउं भली वीडियो रे देखा दै छी एहा परे डाउन एरो की को आउथरे दबाओ द्वितीय पिलांकर मार्क लेखो सेई भली आउथरे डाउन एरो की दबाओ एवं आउ गोटे मार्क लेखो सेई भली आउथरे डाउन एरो की को दबाओ एवं आउ गोटे मार्क लेखो सेई भली तुमे हिंदी सब्जेक्ट पई पिलांकर मार्क उडी को लेखो जेउ भली वीडियो रे देखा जाई छी एही भली भाबरे तुमे हिंदी विषय पई मार्क गुड़ी को लेखि पारिबो एवं तापरे इंग्राजी विषय रे मार्क गुड़ी को लेखिया पई पूर्व परे सेठा को कर्सर नै गोटे थर एंटर करो एवं तापरे इंग्राजी रो मार्क गुड़ी को लेखो एही भली प्रथम पिलार मार्क लेखो तापरे एंटर बटन को प्रेस करी अन्य पिलांकर मार्क गुड़ी को लेखि पारिबो तापरे डाउन एरो की को प्रेस करी अन्य पिलांकर मार्क गुड़ी को लेखि पारिबो जेउ भली वीडियो रे देखा जाय छी। एबे तुमे समस्ते जाओ एवं शेष कॉलम परे आउ गोटिए अलगा कॉलम इंसर्ट करो एवं एथिरे जणे छात्रर संपूर्ण मार्क लेखो। एबे आसो एही वीडियो को देखिबा एवं नुवा कॉलम को किपरि इंसर्ट करा जाय ताहा सिखिबा। वर्तमान गोटिए नुवा कॉलम को इंसर्ट करिवा पई तुम्हारा टेबल रे तुम्हें कर्सर को सही जगह रे रखो जेउठार तुम्हें कॉलम को इंसर्ट करिया पई चाहुछ कर्सर पूर्वरु किंबा कर्सर परे इंसर्ट करि परिबो एथि पई तुम्हारा कर्सर को प्रथमे टेबल मेनू को नियो एवं गोटिए थर क्लिक करो एहा परे टेबल ऑप्शन को नै कि जाओ जेउं भली वीडियो रे देखा जाय छी एवं ता परे गोटिए थर क्लिक करो ता परे इंसर्ट ऑप्शन को तुम्हारा कर्सर को नियो एवं तृतीय ऑप्शन कॉलम ऑप्शन को गोटिए थर क्लिक करो एहा द्वारा तुम आगरे गोटे बॉक्स ओपन हेबो जेउठारे दुईटी ऑप्शन रही इंसर्ट एवं पोजीशन रो इंसर्ट ऑप्शन रे तुम्हें केतोटे नंबर रो कॉलम को इंसर्ट करिया पई चाहुछ ताकु अप एरो की एवं डाउन एरो की को व्यवहार करी बढ़ाई पारिबो किंबा कमाई पारिबो एवं द्वितीय रे पोजीशन अर्थ तुम्हारा कर्सर जेउ जगह रे अछि तहार पूर्व रे तुम्हें कॉलम को इंसर्ट करिया पई चाहुछ किंबा परे इंसर्ट करिया पई चाहुछ वर्तमान एहा तुम्हें देखि पारिबो आफ्टर सिलेक्ट होई अछि यार अर्थ कर्सर परे तुम्हारा कॉलम इंसर्ट हेबो एबे तुम्हें ओके बटन को प्रेस करो एहा द्वारा तुम्हें देखि पारिबो तुम्हारा टेबल ले गुटे नुवा कॉलम इंसर्ट होई अछि। वर्तमान एही कॉलम रे पिला मानंकर टोटल मार्क को लेखिवा पई प्रथमे वीडियो रे देखाई थिया भली एही ठारे समान चिन्ह अर्थात इक्वल चिन्ह को दियो तापरे एस यू एम लेखो जेउ भली वीडियो रे देखा जाय छी एहा परे तुमे जेउ विषय रो मार्क गुड़ी को मिसेवा पई चाहु छ तुम्हारा कर्सर को सही ठारे रखो सही विषय रो प्रथम बॉक्स रे रखो जेउ भली वीडियो रे रखा जाय छी एवं ता परे टच पैड किंबा माउस रो बाम बटन को दबाई रखी तुम्हें जेते पर्यंत मिसाया पई चाहुछ सेते पर्यंत टाणो।
एवं तापरे टोटल बॉक्स को तुम्हारा कर्सर किंबा पॉइंटर को आनी गोटे थर एंटर बटन को दबाओ। यह द्वारा सब विषय मार्क गुड मिसी आसीज। तुम्हें समस्ते कही पार एक्सपर्ट एज पीडीएफ द्वारा कौन होता है, पीडीएफ रो फुल फॉर्म कौन। एक्सपर्ट एज पीडीएफ ऑप्शन को व्यवहार करी तुम्हें तुम्हारा राइटर रो फाइल को पीडीएफ फॉर्मेट रे तैयारी करी पारिबो। पीडीएफ एक एमिति फॉर्मेट अटे जहाँ द्वारा तुम्हें तुम्हारा फाइल रे कौनसी एडिट करी पारि नथाओ, अर्थात ता भितरे तुम्हें किछि भी लेखि पारि नथाओ एवं किछि डिलीट मध्य करी पारि नथाओ एवं केवल जणे यूजर ताहाकु पढ़ी पारी थाए। एबे तुम्हें समस्ते तुम्हारा फाइल को किपरी पीडीएफ फॉर्मेट को बदलाइबो देखाओ। पीडीएफ रो फुल फॉर्म होची पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। एबे आसो एही वीडियो को देखिबा एवं गोटिया फाइल को पीडीएफ फॉर्मेट को बदलाइबा विषय रे अधिक सिखिबा। वर्तमान एक्सपोर्ट एज पीडीएफ ऑप्शन रो अभ्यास करिया पई तुम्हें तुम्हारा कर्सर किंबा पॉइंटर को फाइल मेनू को लेकिन जाओ जो भाई वीडियो रे देखा जाएगी एवं गोटे थर क्लिक कर। यह परे तुम्हें देखिपर सेठे विभिन्न प्रकार ऑप्शन रही। तुम्हें तुम्हारा कर्सर को एक्सपोर्ट एज पीडीएफ ऑप्शन को आनो एवं गोटे थर क्लिक कर। यह द्वारा तुम आगे गोटे बॉक्स ओपन हेबो। एहिठारे तुमको कौनसी परिवर्तन करिया पई हेबो नाही, केवल एक्सपोर्ट ऑप्शन उपरे गोटे थर क्लिक करिया पई हेबो। तेणु वीडियो रे देखाई थिया भली तुम्हें एहिठारे गोटे थर क्लिक कर। यहा परे आउ गोटे बॉक्स ओपन हेबो। एहर अर्थ तुम्हें तुम्हार फाइल को केउठारे सेव करिया पई चाहौछ। तुम्हें चाहिबो जदि डेस्कटॉप किंबा डाउनलोड किंबा डॉक्यूमेंट केउठारे भी सेव करी पारिबो। वर्तमान डेस्कटॉप को सिलेक्ट करो, तापरे फाइल रो नाम दबा पई फाइल नेम ऑप्शन को आसी एहिठारे वीडियो रे देखाई थिया भली कंप्यूटर पीडीएफ लेख। तापरे सेव ऑप्शन को जाई गोटे थर क्लिक कर। यह द्वारा तुम्हारा फाइल टी डेस्कटॉप रे सेव होई जिवो एवं तुम्हें या को देखिया पाई डेस्कटॉप को जाई सही नाम रे या को खोजी पारिबो एवं यह ऊपर डबल क्लिक कर जहाँ द्वारा यही फाइल टी ओपन होई जिवो एवं तुम्हें एथेरे कौनसी प्रकार चेंजेस करी पारिबो नहीं, केवल यह को पढ़ी पारिबो। यही भली भाव रे तुम्हें एक्सपोर्ट एज पीडीएफ ऑप्शन ला व्यवहार करी पारिबो। आजिरो क्लास यही ठारे शेष करिबा। एबे तुम्हें समस्ते तुम्हारो राइटर रो फाइल को तुम नाम रे सेव करो एवं तापरे सठिक भाव रे तुम्हारो कंप्यूटर को शटडाउन किंबा बंद कर। तापरे एबे तुम समस्तंकर लिखित परीक्षा नियाजिबो जेउथिरे 20 टी किंबा 30 टी प्रश्न पचरा जिबो। तुमको लिखित परीक्षा रे उत्तीर्ण हेबाकू पड़िबो। जदि तुम्हें माने लिखित परीक्षा रे उत्तीर्ण हेबो नाही तेबे तुम्हें परवर्ती मॉड्यूल को जाई पारिबो नाही। तेणु तुम समस्तंकु लिखित परीक्षा रे उपस्थित रहिबाकू हेबो। कंप्यूटर शिक्षा को सहयोग करिछंती